तो गाइस जैसा कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जो स्टेटस को देखा, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरीके का स्टेटस क्रिएट करने सिखाऊंगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो को बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और अपना आप स्टेटस को नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और एक बात बता दूं गाइस कि इस तरीके का स्टेटस को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस ऐप को डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ इस एप्लीकेशन को। तो इससे पहले बता दूं गाइस कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो लेके आता रहता हूं। तो गाइस चैनल को जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आपको इस तरीके का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेशियो, जो कि 1:1 का। तो ये हमारा रेशियो सेलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स और एक बात बता दूं कि मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज किया हूँ वो सारा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मटेरियल का लिंक, या फिर आप चाहे तो अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत होता है तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मतलब जितना लिंक है मटेरियल का मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो जाके आप वहाँ पर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ मैं सारा चीज़ अपना प्रोवाइड करता रहता हूँ जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, अपना स्टेटस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर मीडिया का, तो आपको अपना मीडिया पर जाना एंड आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना, जो भी आप अपना स्टेटस को बनाना चाहते हैं जिस फोटो का भी। तो मैं कुछ यहाँ पर अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये हमारा इमेज है। तो गाइस मैं कुछ इमेज ले लिया हूँ, तो आप भी कुछ अपना इस तरीके से इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आपको क्या करना है, इसे अपने स्क्रीन पर एडजस्ट करना। तो आपने आपका जो इमेज है गाइस उसके ऊपर आपको क्लिक करना, यहाँ आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जूम वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना एंड इसे आपको अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पर डबल लाइन का जो ऑप्शन दिखता है उसके ऊपर आपको क्लिक करके से लॉक कर देना है। तो सभी इमेज को गाइस उसी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, और आपको इसे इक्वल के साइन पर क्लिक करके से लॉक कर देना है। तो सभी इमेज को गाइस आप उसी तरीके से कर लीजिए। तो गाइस हमारा जो इमेज है वो स्क्रीन पर एडजस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना, अपने इमेज के ऊपर आपको इफेक्ट डालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको साइड में एक ऑप्शन हो रहा होगा क्लिप ग्राफिक, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना है, जो कि गेट मोड में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ गाइस आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे इस इफेक्ट को। तो आपका ये इफेक्ट है जो कि लाइट लाइडर करके नाम है कुछ, तो आप इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा गेट मोड में जाकर अगर आप डाउनलोड नहीं किए। तो अब आपको क्या करना है, इस आपको इफेक्ट में इंटर करना है एंड आपको फर्स्ट वाला इसे चॉइस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड वाला पर भी उसी तरीके से क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, उसी इफेक्ट पर जाके इसको आपको तीसरा नंबर वाला, आप चाहे तो गाइस अपने हिसाब से कोई भी ग्राफिक्स आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ इसी इफेक्ट से कुछ ग्राफिक्स में इसे ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो क्लिप ग्राफिक्स है वो इमेज में एडजस्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, आपका जो इमेज है उसके आपको बीच में कुछ आपको बॉक्स दिख रहा होगा जिस पर ट्रांजेक्शन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको कुछ इसमें से आपको इफेक्ट डाउनलोड करना है, जो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा उसको आपको डाउनलोड करना है गेट मोड में जाके। तो ये हमारा सेकंड वाला जो ट्रांजेक्शन है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको सेकंड वाला इंटर करना है इस ट्रांजेक्शन में, उसके बाद आपको फर्स्ट वाला आपको इसमें ऐड कर देना, उसके बाद सेकंड वाला में आपको उसी ट्रांजेक्शन में जाकर कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। आप इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैं कुछ इसी तरीके से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा ट्रांजेक्शन जो है गाइस वो ऐड हो चुका है इस इमेज पर, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन ऐड हो चुका है। तो गाइस हमारा जो बीच का जो गाइस हमारा जो इमेज है उसका लेंथ गाइस लो हो छोटा हो चुका, तो हम थोड़ा इसे बढ़ा लेते हैं। आप फिर इसे बढ़ा लीजिएगा,
तो गाइस हम इसे बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा इतना हो चुका है एडजस्ट, आप भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इमेज वाला ये वीडियो बन चुका है, तो कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लेयर पर जाना है एंड आपको मीडिया में जाके जो आपका ब्लेड वाला जो आपका जो PNG है उसे आपको ऐड कर लेना है। तो मैं वो ये गाइस हमारा है, तो मैं ब्लेड वाला आपको PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर गाइस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपका जो ब्लेड वाला लेयर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको स्क्रीन को ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका जो वीडियो वो शो होने लगे गाइस। चलो तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपका कुछ भी इसमें अगर शो नहीं होता तो गाइस आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी इससे एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, अगर आपका कुछ भी अगर आपका नहीं दिखता है फोटो सही से इमेज, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस अगर आपका कुछ भी दिक्कत होता है तो। तो गाइस हमारा ये एडजस्ट हो चुका, तो आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो है जो एडजस्ट हो चुका है, बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इतना आपको इफेक्ट वाला इमेज लगाना है। तो लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है एंड आपको ये मिल जाएगा सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये है हमारा, तो इसे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में जाके इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, इसके लेंथ को आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इसी लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन हो रहा होगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग में जाके आपको इसे स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपका ब्लेड वाला जो लेयर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन हो रहा होगा एडजस्टमेंट, तो उसके ऊपर जाके आपको ये जो बीच वाला है उसको आपको थोड़ा इस तरीके से आपको इसे बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से। तो आपको 60 के आसपास आप इसे रख सकते हैं गाइस, 60 के आसपास तो आप इसे रख लीजिएगा। तो इतना हो चुका है, तो हमारा जो वीडियो कुछ इस तरीके से गाइस बन चुका है, कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो इतना हो चुका है गाइस, और अब आपको क्या करना है, इस पर आपको और इफेक्ट वाला वीडियो लगाना है। तो लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने पर आपको वीडियो ले लेना है जो आपने डाउनलोड किया था। तो वो वीडियो मैं ले लेता हूँ गाइस, तो ये हमारा वीडियो है तो मैं इसे ले लेता हूँ। और क्या करना गाइस, इसको थोड़ा आपको इस तरीके से रोटेट करना है और आपको थोड़ा इसे जूम कर लेना है। और गाइस क्या करना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग में जाके आपको इसे स्क्रीन कर देना है। उसके बाद क्या करना, आपको उसी लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको इसे कुछ इस तरीके से इस जगह पर आपको ले कर आ जाना है। तो हमारा जो वीडियो कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। तो गाइस इतना कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना एंड आपको लिरिक्स वाला आपको वीडियो ले लेना है जो कि सॉन्ग वाला। तो मैं उस वीडियो को लेता हूँ जो आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। इसको कुछ इस तरीके से आपको गाइस, आपको ये आपको इस जो आपका सॉन्ग है लिरिक्स वाला, इसे आपको कुछ इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना है एंड आपको नीचे एक ऑप्शन हो रहा होगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग में जाके आपको इसे स्क्रीन कर देना कुछ इस तरीके से। और आपका जो सॉन्ग है उसको इस जगह पर आपको एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो गाइस हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरीके से, आप इसे गाइस थोड़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो वीडियो गाइस वो एडजस्ट हो चुका है, जो लिरिक्स वाला आपका वीडियो इफेक्ट है, वीडियो सॉन्ग, तो वो एडजस्ट हो चुका है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना एंड आपको जो आपका सॉन्ग वाला जो स्पेक्ट्रम है उसे आपको ऐड कर लेना अपने वीडियो पर। तो हमारा ये वीडियो है, तो ये स्पेक्ट्रम गाइस आपको क्या करना है, क्रोमा की में जाना, इसके इनेबल इसे कर देना है कुछ इस तरीके से। और गाइस आपको क्या करना है, इसे गाइस इस तरीके से रोटेट करना है एंड आपको इसे गाइस कुछ इस जगह पर आपको इसे ऐड कर लेना है कुछ इस जगह पर। और आप गाइस आपका जो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो वीडियो है गाइस, आप थोड़ा इसे और थोड़ा इसे आप छोटा कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से और इसे ऐड कर लीजिएगा। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है गाइस कुछ इस तरीके से हमारा शो हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से हमारा वीडियो है जो बन के तैयार हो चुका है। तो आप चाहे तो इसे और थोड़ा गाइस अभी से एडजस्ट कर लीजिएगा आपके स्पेक्ट्रम को। तो इतना हो चुका है गाइस, और अब आपको क्या करना है, आपका जो फ्रेम वाला PNG मिलेगा उसे आपको ऐड कर लेना है। तो लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है एंड आपको वो ले लेना है जो आपका फ्रेम वाला PNG था। तो गाइस ये हमारा PNG आ चुका है, तो इसे आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना है। तो आपको इस स्क्रीन वाला ऑप्शन में जाना है, इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है। तो आपका ये एडजस्ट हो चुका है, अब आप इसके लेंथ को आपको बढ़ा देना कुछ इस तरीके से।
तो गाइस हमारा जो वीडियो बनके कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो बैक साइड का जो फालतू पार्ट है उसे आपको कट कर लेना है। तो बस मैं इतने दूर तक इसे रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, इसका जो फालतू पार्ट है। तो आपको ट्रिम टू राइट टॉप फ्लैट कर देना है, तो आपका जो बैक वाला पार्ट है, जो फालतू पार्ट है, वो कट जाएगा। तो गाइस आपको कटिंग कैसे करना है, आपका लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, कैंची पर जाना है, एंड आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मतलब तीन ऑप्शन मिलता है, तो आपको सेकंड वाला जो ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लेड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना। तो गाइस आपका जो बैक साइड वाला जो आपका पार्ट है वो कट जाएगा। तो सभी को आप उसी तरीके से कट कर लीजिएगा अपने वीडियो के हिसाब से। तो गाइस मैं सबको कट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो स्टेटस है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है, किस तरीके से हमारा स्टेटस बन के तैयार हुआ है। तो गाइस आप चाहे तो आप अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस बना सकते हैं, खुद का इमेज का। तो अब आपको क्या करना है, इसे सेव करने के लिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा शेयर का, तो शेयर के ऑप्शन को क्लिक करना है, एंड आपको अपने यहाँ क्वालिटी सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा वीडियो जो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस हमारा वीडियो जब तक एक्सपोर्ट होता है तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जो आपसे मेरा एक भी वीडियो मिस ना हो सके। और हाँ गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।